न्यूज में लंसरी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज, जहां हम लेकर आते हैं देश व दुनिया की तमाम अहम व छोटी बड़ी खबरें। लेकिन खबर दिखाने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे, लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नजर खबरों की तरफ। गड्ढे में डूबने से एक युवक की हुई मौत। मामला जनपद श्रावस्ती के थाना क्षेत्र सिसरिया के अंदर चौगाहा बाजार के पास नहर के कर्मचारियों द्वारा नहर के बगल खोदे गए गड्ढों में शौच के लिए 8 वर्ष बच्चे का पैर फिसलने के कारण डूबने से हुई मौत। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों की मदद से डूबे हुए बच्चों को इसराइल की उम्र 8 वर्ष जिसके पिता का नाम असगर अली है तथा डूबे हुए बच्चों को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। तब तक बच्चे डूबने के कारण मौत हो गई थी। वहीं परिजनों की जानकारी हुई तब परिजनों ने रो रो कर मचा कोहराम और आसपास के लोग काफ़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। तब मौके पर उपस्थित जिला पंचायत सदस्य विजय शुक्ला द्वारा सिरसिला पुलिस को फोन कर अवगत कराया गया कि कुछ ही देर बाद मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी अपने टीम के साथ चोको कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजना चाहा, तो वहीं उपस्थित परिजनों द्वारा शिव को पीएम के लिए भेजने से मना कर दिया गया। वहीं कुछ देर बाद पहुंचे क्षेत्र अधिकारी नगर हौसला प्रसाद द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल के निरीक्षण कर घटना के बारे में जानकारी ली गई तथा उपस्थित पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया कि उपस्थित सभी ग्रामों को सीओ के द्वारा अवगत कराया गया कि आप सभी अपने बच्चों को गड्ढे के पास जाने से रोके जिससे आगे कोई दुर्घटना ना हो सके। यूपी लाइव 100 न्यूज से बुजुर्ग अहमद की रिपोर्ट। हमारे गांव पंचायत में जो दुखद घटना घटा है इसका पूरा जिम्मेदार नहर विभाग है। नहर विभाग का कार्य साइड में चल रहा था, जो इधर साइड में गड्ढा खोला गया था इसको पाटना था, लेकिन नहर विभाग ने इस पर लापरवाही दिखाया और इस गड्ढे को नहीं पाटा। साइड में खंभा भी है, खंभा भी गिरने के कगार पर है और ये सब सूचना जो है ग्रामीणों ने इसकी जो है नहर विभाग के संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया था, लेकिन उन्होंने लापरवाही दिखाया। आज मेरा बच्चा मरा है गांव का, कल किसी और का बच्चा मरेगा और मैं ये चाहता हूं और औरतन से भी चाहता हूं कि उस बच्चे के परिवार को और प्लस इस भ्रष्ट ऑफिसरों को सबक मिले और जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो और न्यायोचित कार्रवाई हो ताकि किसी भविष्य में किसी का बच्चा इस लापरवाही के कारण मौत का शिकार न हो। धन्यवाद। तो उसका बच्चा जो एक्सपायर हुआ है ये कैसे हुआ है, इसकी पूरा घटना क्या हुआ? सर, ये पानी नहर के पास में गड्ढा था और नहर विभाग ने उसको खोदा था और उसमें पानी काफ़ी भरा हुआ था। बच्चे ने गया वहाँ पे, अचानक कैसे क्या हुआ डूबा और फिर उसके बाद में लोग गांव के लोग वहाँ से निकाले उसको। इसका नाम क्या है बच्चे का? इसराइल सर उसका नाम है, उसके पिता का नाम असगर अली। अच्छा, ये बच्चा मतलब किस गाँव का रहने वाला? बच्चा चौथा बाजार का रहने वाला है, ग्राम पंचायत। बच्चे के साथ में और के बच्चा था? बच्चा के साथ में जो एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र 4 साल थी, उसी का भाई था। तो बच्चा सेफ है? हाँ, बच्चा वो सेफ है। अच्छा। एक ही बच्चा उसके अंदर गिरा था। अच्छा। जो एक घंटे के बाद उसको बड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों की मदद से निकाला गया। क्या घटना हुई है आज? पानी साहब बोल कैसे? अरे साथ चल के खेलने गया था, बकरी वकरी चलाने गया था, हारने वैसे गया था साहब। तो आप ने कोई कार्रवाई की है इस पे? कुछ नहीं साहब, कार्रवाई नहीं चाहते? नहीं, कार्रवाई नहीं चाहिए। जब बच्चा आपका डूबा तो आप यहाँ पर थे? हम नहीं थे साहब, हम तो गाड़ी लेके गए ना। नहीं थे साहब, हम गाड़ी लेके गए ना। क्या नाम का 7 वर्ष का बच्चा है और लेकिन बच्चे खेलते खेलते ये पता चला है कि पानी भरा था बरसात का, उसमें फिसल के गिर गए जिससे एक बच्चे की मृत्यु हो गई है। और घर वाले परिवार वाले कस्बे के जिम्मेदार लोगों से बातचीत किया गया है, तो लोगों का कहना है कि घटना है हो गई, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है,
है और पुलिस प्रशासन मौजूद है जो भी कार्रवाई करना है। सर अभी घटनास्थल का आपने भी निरीक्षण किया है, वहाँ पर नहर विभाग द्वारा खुदाई कर दिया गया है, सड़क किनारे जो काफ़ी गहरा है तो उसमें घटनाएं होने की संभावनाएं ज़्यादा है। उसके लिए हमने संबंधित को बताया है कि वो गड्ढे फाट दिए, लेकिन नहर खोदी गई है तो नहर में भी लोग जा सकते हैं, इसलिए लोगों को भी बताया गया है कस्बे के निवासियों को कि अपने बच्चों को उधर ना जाने दें, सावधानी रखें।